बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां सिद्धार्थनगर जिले के एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई न होने से नाराज बच्चों के परिजनों ने विद्यालय का घेराव किया। घेराव कर रहे परिजनों ने प्रधानाध्यापक के नशे में विद्यालय आने का भी आरोप लगाया। मामला सिद्धार्थनगर जिले के विकास खंड का है। मामला सिद्धार्थनगर जिले के विकास खंड उसका बाजार के प्राथमिक विद्यालय सेखुई का है। सेखुई गाँव में स्थित इस प्राथमिक विद्यालय पर मंगलवार की सुबह स्कूल खोलने के समय में स्थिति उस वक्त असहज हो गई, जब दर्जनों की संख्या में बच्चों के अभिभावक स्कूल के गेट के पास आकर खड़े हो गए और प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के खिलाफ नशे में धुत होने का आरोप लगाते हुए स्कूल में पढ़ाई न होने की बात कहने लगे। आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों को मेन्यू के अनुसार मिड डे मील नहीं दिया जाता और न ही शिक्षा व्यवस्था का सुधार हो रहा है। बच्चों के परिजनों का कहना है कि बच्चे अभी तक अपना नाम तक नहीं लिखना जानते, लेकिन उनको दूसरी कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है। वे कक्षा 5 तक पहुंच गए और उन्हें कुछ भी नहीं आ रहा है। इस मामले में BSA देवेंद्र पांडे का कहना है कि मामला संज्ञान में है। इस मामले के पीछे स्कूल के ही प्रधानाध्यापक एवं शिक्षा मित्र के बीच विवाद है। शिक्षा मित्र इसी गांव के रहने वाले हैं और वह ग्रामीणों को उकसाकर इस तरह की कार्यवाही कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि मामले को संज्ञान में लेकर इसकी जाँच कराई जा रही है और जो भी तथ्य निकल के सामने आएगा उसके अनुरूप संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। विराट 24 के लिए सिद्धार्थनगर से नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। कोई आएगा तो चला जाएगा गुटखा खाने, कोई आएगा दारू पीने, तो ये बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। अपने आप को कोई नहीं देख रहा कि हमारे अंदर क्या बिगड़ रहा है। ये एक रोटी बच्चों को खिलाने के बाद अपने पता नहीं चावल कहाँ जाता है, खिचड़ी बनाकर खिलाते हैं ये लोग। मामला यही है सर कि ये बच्चों को 5 पास कर दिए और बच्चों को दस्तखत करना भी नहीं आ रहा सर। दूसरी बात सर, ये विद्यालय में ना भोजन मिल रहा है, ना फल फूल मिल रहा है, ना बच्चों को दूध मिल रहा है। हमारे संतोष मास्टर साहब हैं, वो जाएंगे, दुकान है सामने, वहाँ गुटखा खाएंगे, वहाँ से आएंगे, कुछ शराबे भी पी कर आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। उनकी क्या वजह है, क्या बच्चों का फ्यूचर वो बना सकते हैं? हम ये जनता से पूछते हैं और अपने कमकर्ता पत्रकार या मास्टर लोग से ये पूछना चाहते हैं हम कि बच्चे का फ्यूचर बना रहे हैं ये लोग कि फ्यूचर बिगाड़ रहे हैं? जब ये शराब पीकर गुटखा खाकर अपने खुद मस्त रहेंगे सर, तो बच्चे को कितना पढ़ाएंगे? सिर्फ पास ही करते रहेंगे कि मतलब पढ़ाई भी करेंगे? ये हमारे मास्टर लोग का देन है। शिक्षक आते हैं समय पर विद्यालय? समय में नहीं आते हैं सर। आप सबकी मांग क्या है? मांगे हैं कि बच्चों को भोजन जो हमारी गवर्नमेंट दे रही है, फल है, फूल है, दूध है, और बच्चों को अच्छे से अच्छी पढ़ाई, ये 4 तक की इंग्लिश पढ़ाई लिखा गया है बोर्ड पर लिखा हुआ सर, लेकिन किसी बच्चे को आज तक इंग्लिश पूछ लीजिए कि ये शब्द नहीं याद होगा बच्चे को कि फिलिपाइन मतलब क्या होता है, बच्चे से पूछिए नहीं बता पाएगा कि हाथी होता है। विद्यालय का घेराव कर मामला का है अपन बात ना रखें। बच्चे लोग का पढ़ाई अच्छा से नहीं होता है, खाना पीना भी अच्छा से नहीं दे रहे हैं। अभी एक बच्चे को हम पढ़ाई पे लगाए हैं, एक पे तो उनको 2 पे भेज दे रहे हैं। यहाँ पर कोई चीज का बच्चे अपने में लड़ भी रहे हैं तो कोई नहीं सुनवाई है, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। सर लोग मास्टर लोग अपने हैं, अपने उधर उधर बैठ रहे हैं, बच्चे लोग मार पीट करके घर में जा रहे हैं। न खाना है, न पीना है। चाहते क्या हैं आप? हम लोग यह चाहते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई अच्छा से हो, बच्चे लोग को देखें अच्छा से, बस यही। प्राथमिक विद्यालय का जो प्रकरण है सर, पूरा मामला क्या है? उसका बाजार में कंपोजिट विद्यालय से कोई है और वहाँ पर शिक्षा मित्र और वहाँ के प्रधानाध्यापक में कुछ विवाद संज्ञान में आया है, क्योंकि वहाँ के शिक्षा मित्र उसी गांव के रहने वाले हैं और हेडमास्टर जो हैं वो दूर के हैं। तो हेडमास्टर का फ़ोन आया था, उनके द्वारा बताया गया है कि गांव के क्योंकि शिक्षा मित्र वहीं के हैं और रेगुलर स्कूल भी नहीं आते हैं, पढ़ाते भी नहीं हैं, और कहने पर उनके द्वारा ग्रामीणों को उकसा कर बहला फुसला करके और धरना प्रदर्शन कराया गया है। तो इसकी जाँच कराई जाएगी, जो दोषी होगा उसके कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसमें सर एक जो आरोप है वो थोड़ा सा गंभीर है कि जो छुड़ाना चाह रहे हैं वो शराब पी करके आकर के वो बच्चों को पढ़ाते हैं। उसकी पृथक से जांच कराई जाएगी, हकीकत क्या है वो तो जांच के बाद ही पता लगेगा। ये तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं एक दूसरे को।